से दोस्तों, कौन कहता है हमारे भारत में संयुक्त परिवार की परंपरा का अस्तित्व नहीं रहा? कौन कहता है कि संयुक्त परिवार के सदस्य एकता के सूत्र में बने नहीं रहते? ऐसी बातें वो अनजान लोग करते हैं जिन्होंने हमारा आकाशमय विशाल आईएमसी परिवार नहीं देखा। दोस्तों, आईएमसी एक महासागर है जिसकी हम सब लहरें हैं, जो कि जिद्दी चट्टानों से टकराकर साहस का प्रदर्शन करती हैं। आईएमसी एक आकाश गंगा है जिसमें लाखों करोड़ों एसोसिएट्स चमकते सितारे हैं। मुझे गर्व है आईएमसी परिवार पर, मुझे गर्व है आईएमसी परिवार की एकता पर, मुझे गर्व है आईएमसी परिवार की अखंडता पर। दोस्तों, 22 सितंबर को मेरा जन्म दिवस आप सबने प्रेरणा दिवस के रूप में मनाकर मुझे आत्मविभोर कर दिया था। आप और मैं एक दूसरे के प्रेरक और पूरक जो हैं। मेरे परिवार के प्रिय सदस्यों, क्या आप जानते हैं प्रेरणा को कौन सा तत्व अंकुरित करता है? यह तत्व है स्नेह का। स्नेह की बूंदें ही प्रेरणा की लहरें उत्पन्न करती हैं। स्नेह का क्षेत्र सीमित नहीं बल्कि व्यापक होता है। स्नेह केवल माता पिता या भाई बहन तक ही सीमित नहीं होता। मेरे और सत्यन जी के द्वारा आप सबको कहे जाने वाले प्रेरणादायक शब्दों की उत्पत्ति हमेशा एक असीमित स्नेह से होती है, और वह स्नेह आप सब तक प्रत्यक्ष या परोक्ष दोनों रूपों में पहुंचता है। क्या आप जानते हैं हमारे स्नेह का स्रोत कौन है? वह है आईएमसी परिवार की प्रथम महिला सत्यन जी की ममता मई माता और मेरी जीवन संगणी श्रीमती वीना भाटिया। उनके स्नेह के वशीभूत होकर हम दोनों ने आईएमसी की स्थापना की प्रेरणा ज्योति जलाई। उनका स्नेह ही सदैव हम दोनों को, आईएमसी परिवार को और अधिक खुशहाल करने के लिए प्रेरित करता है। उनका स्नेह संपूर्ण आईएमसी परिवार के लिए शीतल बौछार करता आया है और करता रहेगा। वीना भाटिया जी वास्तव में एक स्नेह वृक्ष है जिनकी छाव में आईएमसी परिवार सुख और शांति की अनुभूति करता है। दोस्तों, वर्ष बीते, मौसम बदले, नहीं बदला तो केवल स्नेह आपका। कभी आंखों की मूक भाषा से छलकता, कभी चेहरे की शिकन से झलकता, कभी आईएमसी की उन्नति में मुस्कान बन उभरता, छाया देता हर पल, साहस देता हर कदम, अमूल्य है, अनमोल है स्नेह वृक्ष आपका आईएमसी के प्रति। स्नेह आपका आईएमसी के प्रति, स्नेह आपका। 22 अक्टूबर को श्रीमती वीना भाटिया जी का जन्म दिवस है। आइए इस शुभ दिन को आईएमसी स्नेह दिवस के रूप में मनाकर उन्हें अपार स्नेह का प्रतिफल देने का प्रयास करें। दोस्तों, केवल इस वर्ष ही नहीं, हमेशा सर्वदा 22 अक्टूबर को हम सब आईएमसी स्नेह दिवस के रूप में मनाया करेंगे। आईएमसी स्नेह दिवस पर आईएमसी परिवार का प्रत्येक सदस्य एक दूसरे के प्रति स्नेह भावना रखने की शपथ लेगा। समूचे आईएमसी परिवार की समृद्धि, खुशहाली और स्वास्थ्य के लिए प्रभु से प्रार्थना करना श्रीमती वीना भाटिया जी की रोजाना दिनचर्या है। दोस्तों, आइए श्रीमती वीना भाटिया जी के स्वर में ये भजन सुनते हैं जिसमें उन्होंने आईएमसी परिवार की खुशियों के लिए प्रभु से अर्चना अरदास की है। मेरा सुखी रहे परिवार, प्रभु जी दया करो।
मेरा सुखी रहे परिवार, प्रभु जी दया करो, सबके सपने हो साकार, प्रभु जी दया करो, सबके सपने हो साकार, प्रभु जी दया करो, मेरा सुखी रहे परिवार, प्रभु जी दया करो, मेरा सुखी रहे परिवार, प्रभु जी दया करो, सबके सपने हो साकार, प्रभु जी दया करो। मन मीन की बात बिठा दो, कर्म को धर्म बनाए, सच्ची मेहनत का फल पाके अपनी मौज मनाए, अपनी मौज मनाए, अपनी मौज मनाए, इनका स्वर्ग सा हो संसार, प्रभु जी दया करो, इनका स्वर्ग सा हो संसार, प्रभु जी दया करो, सबके सपने हो साकार, प्रभु जी दया करो, सबके सपने हो साकार, प्रभु जी दया करो, मेरा सुखी रहे परिवार, प्रभु जी दया करो, सबके सपने हो साकार, प्रभु जी दया करो, सबके सपने हो साकार, प्रभु जी दया करो। स्नेह दिवस। जिन लोगों ने आई एम सी बिजनेस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया हमें सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।